हेलो, मेरे भाई लोग आपने फिर भी हम तो देख लोगा इस तरह के रील्स इफेक्ट है ना, जो वीडियो इंस्टाग्राम पे ज्यादा ट्रेंड कर रही है। मेरे भाई लोग इस तरह के रील्स वीडियो एडिट करने के लिए एक दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। देन मेरे भाई लोग यार वीडियो को थोड़ा भी स्किप किया आगे पीछे किया तो आपको कुछ भी प्रोसेस मिस हो सकता है। मेरे भाई फिर मुझसे मत बोलना आप वीडियो कैसे एडिट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। मेरे भाई लोग पहले तो मैं बता दूं यार वीडियो को बिना स्किप किए देखना पड़ेगा, तभी आपको पूरा प्रोसेस समझ में आएगा। देन मेरे भाई लोग वीडियो करते बना दीजिए स्टार्ट। पहले तो आपको मेरे भाई लोग पिक्सेल ऐप की जरूरत पड़ेगी, जो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना। पिक्सेल ऐप का कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, डिफॉल्ट को डिलीट कर देना, मतलब तुम्हारे में कुछ और इंटरफेस दिखेगा जो कि मैं अभी दिखा दूंगा। अभी यहाँ पे थ्री डॉट पे टैप करना है, बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा बट इसका कलर थोड़ा चेंज है। एंड यहाँ पे इमेज साइज पे क्लिक करना मेरे भाई, इस इमेज साइज को आपको टैप करना। एंड यहाँ पे 2000 रख देना मेरे भाई, यहाँ पे 2000 रखने बाद ओके पे टैप कर देना। ओके पे टैप करने बाद ये देख सकते हो ऐसा इंटरफेस आपके पिक्सेल ऐप में दिखेगा, जो आपने पिक्सेल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड किया होगा। तो देख सकते हो ऐसा इंटरफेस दिखेगा, आपको क्या करना ऊपर साइड आपको प्ले प्लस पे क्लिक करना। प्लस पे क्लिक करने बाद मेरे भाई टेक्स्ट पे क्लिक करना, टेक्स्ट पे क्लिक करने बाद न्यू टेक्स्ट पे आपको दो बार टैप करना, और यहाँ पे दो बार टैप करते ऐसे इसको न्यू टेक्स्ट को हटा के यहाँ पे आपको जो बिंदु है ना वो बिंदु रख लो, जैसे कि 8 रख लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितना रखना चाहते हो उतना रख लो। एंड कुछ ऐसे यहाँ को कर लो। यहाँ करने बाद आपको इवैल्यूएशन पे आने बाद आगे साइड जाओ, यहाँ पे फंड पे क्लिक करो। फंड पे क्लिक कर माई फंड पे टैप करो। माई फंड पे टैप करने बाद एक फंड है जो कि आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। ये बिंदु पे ऐड कर लेना फंड। एंड मेरे भाई जैसे कि मैंने थोड़ा एक दो और बिंदु यूज कर ले रहे, ओके देख सकते हो मेरे भाई, जैसे कि मैंने इसको यहाँ रख दिया। रखने के बाद आपको क्या करना, यहाँ पे आपको कलर का बॉक्स देखने मिलेगा, ये देख सकते हो कलर पर क्लिक करना। इस पर कोई सा भी रेड ब्लैक जो भी कलर आपको पसंद हो वो ऐड कर लेना। एंड मेरे भाई देखो जैसे कि मैंने ये कर लिया, अब करने बाद यहाँ पे क्या करना, ये देख सकते हो कॉपी का ऑप्शन आ रहा होगा, कॉपी कर देना मेरे भाई। कॉपी करने बाद इसको यहाँ पे रख देना, थोड़ा सा पहले छोटा कर देता हूँ। एंड ऐसे दूर दूर रख देना, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ऐसे कुछ। इस पर क्लिक करो एक पे, और एक वाले पे क्लिक करो, और यहाँ पे कलर पे क्लिक करो। इस पर कोई और कलर ऐड कर दो, ठीक है, जो पसंद हो आपको, मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। एंड देख सकते हो ये ऐसा कुछ हो गया। एंड मेरे भाई किसी भी क्लिक करो और यहाँ पे कॉपी कर लो, ओके। कॉपी करने के बाद ब्लैक अब इस साइड हम कर देते हैं, पहले उस साइड था, अब ब्लैक इस साइड कर दिया। अब क्या करना, हमने रेड वाले पे कॉपी कर देते हैं और इसको कॉपी करके इसको इस साइड रख लेते हैं मेरे भाई। देख सकते हो ऐसे आपको रख लेना एकदम अच्छे से एडजस्ट करके मेरे भाई। इतना होने के बाद आपको ये करना, यहाँ पे स्क्रीन पे टच करेंगे और टेक्स्ट का आइकन देखने मिलेगा, टेक्स्ट पे क्लिक करके न्यू टेक्स्ट पे दो बार टैप करेंगे, और यहाँ पे आपको 2-3 स्टिकर ऐड कर लेना है जो आपको पसंद हो, जैसे 2-3 स्टिकर ऐड कर लेना है। लेने मेरे भाई जैसे मैंने ये ऐड कर लिए, अब क्या करना, फंड पे जाता हूँ, यहाँ पे फंड को देखने मिलेगा, इस पर फंड पे टैप करता हूँ मेरे भाई। माई फंड पे टैप करता है, एक फंड है जो कि ISU फंड, जैसे इमोजी फंड बोलते हैं, जिससे इमोजी चेंज हो जाती, और इनको यहाँ पे रख लेता हूँ इमोजी को थोड़ा छोटा करके, ओके मेरे भाई। आपको भी रख लेना ऐसी कुछ, ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से एडजस्ट करके रख लेना इमोजीज को भी, और इनको भी अच्छे से एडजस्ट करके रख लेना। इमोजी पे क्लिक करो, यहाँ पे कॉपी कर दो, ये भी ऊपर साइड आपको देखने मिल जाएगी। कॉपी पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, और इसको नीचे लाओ, इसको भी यहाँ पे रख दो। इन मेरा इस पर दो बार टैप करो, इन पर कोई और इमोजी रख लो नीचे वाली पे, ठीक है, जो आपको पसंद हो, मतलब वैसे ही रख लो कोई और। इन्हें मेरे भाई जैसे कि मैंने इस पर और रख ली, और इमोजी रख ली, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा चेंज कर दिया, जो कि देख सकते हो कुछ ऐसा देखने मिल जाएगा आपको, ओके मेरे भाई। अब स्क्रीन पे टच करते, टच करने के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करते और न्यू टेक्स्ट पे दोबारा टैप करते, और यहाँ पे आपको जो भी आपको शायरी लिखना, मतलब कुछ भी शायरी आप लिखना चाहते हो तो शायरी लिख लो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने जैसा लिखा मैं वैसा लिख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, अपनों से सावधान, मैंने इतना लिखा। इतना लिखने में आपको फंड पे जाने के बाद मेरे भाई माई फंड पे टैप करना, जो फंड मैंने अभी बिंदु पे यूज किया वो फंड इस पे भी यूज कर ले रहा हूँ, वो मैंने बता दिया आपको, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। इस पे आप कलर ऐड करना है तो देख सकते हो कलर वाले बॉक्स पे जाता हूँ मेरे भाई, कलर पे क्लिक करता हूँ। इस पे देखो ध्यान से, ये जो बिंदु देख रही ना पानी सी बूंद, इसको ऐसे आगे खींच के ले जाना अपनों तक, ठीक है, और यहाँ पे ब्लैक कलर कर देता हूँ। अब यहाँ से इस बिंदु को खींच के लाने को आगे साइड, ठीक है, और पीछे वाले को भी खींच के लाता हूँ अपनों से, मतलब थोड़ा सिर तक खींच के, ठीक है, इस पे रे कर देता हूँ, मतलब यहाँ तक कर देता हूँ मेरे भाई, रे तक, ठीक है, मतलब अरे यार सॉरी से तक, मतलब यार क्या ही बोलें, अपनों से, ठीक है, ऐसे आपको मतलब अपनों से सावधान, ठीक है, इस पे रेड कर लेना इतने पे, और उतने अपनों में कर लेना आपको ब्लैक, जो भी कलर पसंद हो, और इसके क्लिक करते अपनों पे, और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्पेसिंग का ऑप्शन, इस पे क्लिक करो और इस पे आपको 10 पॉइंट तक बढ़ा दो, थोड़ा स्पेसिंग दे दो 10 पॉइंट तक, और राइट पे क्लिक कर दो, यहाँ पे इसको अच्छे से रख दो,
एंड आपको ऊपर साइड आपको प्लस पे क्लिक करो, मीडिया पे, यहाँ पे आपको फॉर्म गैलरी पे क्लिक करो। एंड गैलरी से आपने एक फ़ोटो ले लेनी, जो कि आपको मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन बॉक्स पड़ी है, लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। मेरे भाई वहाँ से देख सकते हो ये आपको फ़ोटो है, ऐसे कुछ एडजस्ट कर देनी, जैसे आप रखना चाहो वैसा रख लेना। अब आपको अपनी स्टाइल लिख लेनी जो भी हो, बट मैं अभी लिख के दिखा दूँ जल्दी से। यहाँ पे पहले इंग्लिश कर दे रहा हूँ एंड मैं अपनी स्टाइल लिख दिया। अब जो भी फंट वगैरह ऐड करता हूँ, मैं फंट कर दे रहा हूँ और सब कुछ कर दे रहा हूँ जो भी मुझे करना है, एंड मैं उतना काम कर दे रहा हूँ। फिर अभी मैं सेव करूँगा इसको। अब इस पर कलर भी कोई ब्लैक कर दे रहा हूँ। ओके मेरे भाई, यहाँ पे देख सकते हो इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पे रख दे रहा हूँ। रखने के बाद आपको मेरे भाई सेव करने के लिए तो आपको इस बॉक्स पे पहले क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसलेट पे क्लिक कर देना मेरे भाई। अब देखो ध्यान से, इस पर नहीं क्लिक करना, ऊपर क्लिक करना है इस पर, ठीक है। मतलब जो आपको कॉपी सा बॉक्स दिख रहा है इस पर क्लिक करो। एंड यहाँ पे क्लिक करते ये सेव इमेज पे क्लिक हो जाए, इस पर क्लिक करो और एंड इस डॉट पे टैप करो। डॉट पे टैप करने के बाद आपको अल्ट्रा वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर दो मेरे भाई। अल्ट्रा पे क्लिक करने के बाद आपको सेव टू गैलरी पे टैप कर दो, ये हमारी सेव हो जाएगी गैलरी पे। अब मेरे भाई अब हमें क्या जरूरत है, अब हमें जरूरत है अलाइट मोशन। अलाइट मोशन तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, एकदम न्यू वर्जन यार, लेटेस्ट वर्जन, आपको डाउनलोड कर लेना। नो ऐड, नो वाटर मार्क, कुछ नहीं यार, बिल्कुल नो लैग, एकदम यार क्लियर तरीके से। प्लस पे क्लिक करो, प्लस पे क्लिक करने के बाद लाइट एंड ग्रे बैकग्राउंड यहाँ पे आपको देख लो, 9x16 प्रोजेक्ट, 9x16 वो कर लेना है, ठीक है, रेशियो। और यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे टैप कर दे मेरे भाई। जैसे मैं इफेक्ट बोलूँगा ऐसा ऐड करना, नहीं तो वीडियो यार आपसे बनेगी नहीं, ठीक है। प्लस पे पहले क्लिक करता हूँ और मीडिया पे आपको टैप करना है। मीडिया पे टैप करने के बाद जो आपने पिक्सल एप्सिडिटी उसको ले लेना। मेरे भाई मूव एंड ट्रांसफॉर्म में क्लिक करके इसको छोटा बड़ा जैसा आप रखने चाहो वैसा रख सकते हो, ठीक है। अब लेयर पे यार साउंड ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, बट ऐसे ही मैं लेयर बढ़ा दे रहा हूँ बिना साउंड के, ठीक है। कुछ 7 मिनट तक बढ़ा दे रहा हूँ, 60 सेकेंड, 7 मिनट, जो भी बोलें, ठीक है। अब हमने लेयर पे क्लिक किया, देखो लेयर पे क्लिक करो और यहाँ पे आपको इफेक्ट पे क्लिक करो मेरे भाई। ध्यान से देख लो, जैसा इफेक्ट बोलूँ वैसा करना है, नहीं तो भाई आगे पीछे इफेक्ट हो जाता है, मतलब ऊपर नीचे, तो यार वैसी वीडियो नहीं बन पाती। फिर बोलो भाई भाई कैसे करो, इफेक्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे पहले तो आपको सर्च बार पे क्लिक करो, WAV, ठीक है। जैसा मैं बोलूँ वो इफेक्ट आपको पहले यूज करना है, ठीक है। व्यवहार पे इफेक्ट यूज करें, इस पर क्लिक करो और यहाँ पे स्टैंडर्ड सेटिंग। अब मेरे भाई यहाँ पे आपको फर्स्ट में पेस मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करो, की दे दो और इसको 1.99 बढ़ा दो, मतलब 1.99 पॉइंट, या तो 2 पॉइंट भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। एंड लेयर के लास्ट में जाओ, अब यहाँ पे की दे दो और इसको 0 कर दो, ये माइनस नहीं होगा मेरे भाई, ठीक है, ये माइनस नहीं हो जाएगा, ये 0 होगा। अब लेस्ट के फर्स्ट में जाओ, एंड लेयर के फर्स्ट में आने के बाद स्पेसिंग मैग्नीट्यूड यहाँ पे देख लो, नीचे थोड़ा देखने मिलेगा, इस पर क्लिक करो, स्पेसिंग को इसको 1.5 कर दो मेरे भाई। मेरे जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर लो और इन मैग्नीट्यूड पे क्लिक करो, इसको भी 1.5 कर दो, मतलब कि हमें स्पेसिंग को भी 1.5, मैग्नीट्यूड को भी 1.5। एंड मेरे भाई यहाँ पे कुछ ऐसी हिलने लगेगी। अब लेयर पे फिर से क्लिक करो, इफेक्ट पे क्लिक करो, आईड इफेक्ट पे टैप करो और यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्लिक करो, GA गजियन ब्लर, ठीक है, गौसियन ब्लर, मतलब इस पर क्लिक करो इफेक्ट पे। एंड मेरे भाई स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दो, यहाँ पे देख लो मेरे भाई। अब हम इस इफेक्ट को ऑन करते हैं। ऑन करने के बाद इसको हमें क्या करना है, 0.400 तक ले जाओ, 0.400 मेरे भाई, जितना बोलूँ उतना कर लो और यहाँ पे फर्स्ट में की दे दो। अब लेयर के 2 मिनट्स तक आगे जाओ, जितना देख सकते हो, 2 मिनट या 2 सेकेंड, जो भी बोले आप देख लो, ठीक है, और यहाँ पे की दे दो। अब इसको 0 कर दो, ये भी माइनस नहीं होगा, ये भी 0 हो जाएगा हमारा। एंड देख सकते हो कुछ ऐसा बन चुका। फिर से लेयर पे क्लिक करो, इफेक्ट पे क्लिक करो, एड इफेक्ट पे टैप करो, यहाँ पे आपको सर्च बार पे क्या सर्च करना है, SW, ठीक है, SWI, ठीक है, ऐसा कुछ, मतलब ये वाला इफेक्ट है हमारा, इस पर क्लिक करो एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे क्लिक कर दो मेरे भाई। यहाँ पे आपको इस पर भी देख लो ध्यान से, इफेक्ट कौन करते हैं, सेंटर पे देख लो, XY, ठीक है, सेंटर पे क्लिक किया, X पे आ क्लिक, अब इसको हमें 50 पॉइंट माइनस कर देना मेरे भाई, 50 पॉइंट माइनस, ठीक है। अब हमें X पे क्लिक करो, इसको भी हमें 50 पॉइंट माइनस कर देना। इसमें क्या हमें करना है मेरे भाई, दोनों को हमें 50 पॉइंट माइनस माइनस कर देना, ठीक है। अब इस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करो, सेकंड पे, इस पर क्लिक करो, अब इसको फुल बढ़ा लो, पहले तो फुल बढ़ा लो, 0.500 तक बढ़ेगा। यहाँ पे प्लस दे दो, प्लस देने के बाद आपको लेयर को 2 मिनट तक जाओ, जितना बोलूँ, 2 सेकेंड, 2 मिनट, जो भी है उतना जाओ, यहाँ पे की दे दो और इसको 0 कर दो, ठीक है।
ये माइनस हो जाएगा मेरे भाई, जीरो करना है इसको। देख सकते हो यहाँ पे जीरो के आगे माइनस आपको लगा दिखेगा, तो माइनस नहीं होने देना, तो जीरो रहने देना, ठीक है? नहीं तो फिर गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसको हमें जीरो कर देना। एंड अब थोड़ा नीचे आओ, थर्ड वाले ऑप्शन पे रेडियंस पे इस पर क्लिक करो, फिर इसको फुल कर दो, 0.80 होगा मेरे भाई, इसको इतना ही कर दो। एंड देख सकते हो कुछ ऐसी बनी। अब फिर से लेयर पे क्लिक करो, इफेक्ट पे क्लिक करो, एड इफेक्ट पे क्लिक करो, सर्च बार पे क्लिक करो, ई एक्स मतलब कि एक्सपोजर गामा। देख सकते हो फर्स्ट में ये इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करो, स्टैंडर्ड सेटिंग पे टैप कर दो, यहाँ पे इस इफेक्ट को ऑन करते हैं एक्सपोजर गामा। इस पर भी ध्यान से दे लो, एक्सपोजर पे क्लिक है और यहाँ पे की दे दो फर्स्ट में प्लस का आइकन, इसको आपको फुल कर दो। एंड मेरे भाई लेयर के 2 मिनट्स पर जाओ, ठीक है, जितना मैं हर बार जा रहा हूँ। अब इस पर की दे दो और इसको जीरो कर दो, ये भी माइनस हो जाएगा मेरे भाई। मैं पहले बोल देता हूँ माइनस मत होने देना, देख सकते हो माइनस होने लगेगा तो आपको जीरो के आगे माइनस लग जाएगा, ठीक है? माइनस नहीं होने देना, बट इसको जीरो जीरो कर देना, ना प्लस ना माइनस, ठीक है? और एंड देखो यहाँ पे वीडियो कुछ ऐसी बनी। अभी तक यार मतलब थोड़ा सा यार प्रोसेस कम है, तो अभी मैं बता दूँ HDR इफेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी वो आपको कहाँ मिलेंगे, मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, वहाँ से आपको इस पर इम्पोर्ट कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक पहले मैंने बता दिया कहाँ पे मिलेगी, इस बॉक्स पे देखो क्लिक करो। इस बॉक्स पे क्लिक करने बाद आपको क्या मिलेगा देखो, इस पर क्लिक किया कुछ ऐसा इंटरफेस देखेगा, यहाँ पे क्या करना, सेलेक्ट ऑल लेयर। एंड सेलेक्ट ऑल लेयर होने बाद फिर से बॉक्स पे क्लिक कर दो और यहाँ पे कॉपी टू लेयर कर लो मेरे भाई। कॉपी टू लेयर होने बाद आप उसी प्रोजेक्ट पे चलते जहाँ पे अभी मेरी वीडियो बन रही थी, अब इस पर क्लिक करो। एंड मेरे भाई पेस्ट इफेक्ट, देखो मेरे भाई वीडियो हमारी रेडी हो चुकी। अब मेरे भाई वीडियो पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब ठोक दो, सेव करने के लिए तो आपको पता ही होगा इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करो एंड एक्सपोर्ट कर लो। ओके मेरे भाई।